विनोद खन्ना के साथ किए इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित आज भी पछताती है। किसिंग और इंटीमेट सीन आज भी भारतीय दर्शकों के बीच एक बड़ी बात है, जबकि आजकल के फिल्में बोल्ड और सेक्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 80 और 90 के दशक में ऐसा नहीं था, इसलिए जब माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना एक दूसरे को चूमने और बड़े पर्दे पर इंटीमेट होने के लिए गए तो इससे बवाल मच गया। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पर एक हॉट किसिंग सीन फिल्माया गया था, जिसकी उस वक्त काफी चर्चाएं हुई थी, क्योंकि इस सीन्स को शूट करना काफी मुश्किल काम है। ऐसे माहौल में शूट करना और एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के लिए भी काफी परेशानी से कम नहीं है। कभी कभार तो एक्ट्रेस इंटीमेट सीन के दौरान अपना आपा तक खो देते हैं। कई बार ऐसा वाक्य हो चुका है जब इंटीमेट सीन के दौरान एक्टर्स का अनकंट्रोल होना अभिनेत्रियों के लिए परेशानी का सबक बन गया। ऐसा ही कुछ माधुरी के साथ भी हुआ, जिसका मतलब इन्हें आज तक है। तो ऐसा क्या हुआ था, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बात की जानकारी देने आए हैं। अगर आप भी वाकई इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। बॉलीवुड में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। माधुरी ने अपने समय में कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विवादित फिल्मों में से एक साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान थी, जिसमें माधुरी के साथ विनोद खन्ना थे। इस फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना का एक हॉट किसिंग सीन था, जिसकी उस समय काफी चर्चाएं हुई थी। हालांकि ये किसिंग सीन के बाद माधुरी को बहुत अफसोस हुआ। दरअसल 80 के दशक में किसिंग सीन देना बड़ी बात हुआ करती थी। उन दिनों शायद ही कोई बीग्रेड एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर ऐसा एडवेंचर करने के बारे में सोचती होगी। इसी बीच जब लोगों की धड़कन माधुरी दीक्षित ने फिल्म दयावान में 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन दिया तो हंगामा मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन को देखने के बाद कई लोगों ने माधुरी की आलोचना की। वहीं जब माधुरी ने फिल्म देखी तो उन्हें समझ आया कि इस फिल्म में इस सीन की वाकई कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे फिल्म की कोई भी वैल्यू जुड़ नहीं रही थी। कहा जाता है कि इस सीन से विनोद खन्ना इतने अनकंट्रोल हो गए थे कि माधुरी के होंठ ही काट चुके थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो इंटीमेट सीन को लेकर काफी आलोचना हुई थी। बाद में माधुरी ने खुद इस सीन को करना अपनी सबसे बड़ी गलती बताई थी। माधुरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, इस वजह से मुझे नहीं पता कि तब इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि आपको किसिंग सीन करने की इजाज़त नहीं है। शायद यही वजह थी कि मैंने फिल्म दयावान में किसिंग सीन देने से मना नहीं किया। बता दें कि फिल्म दयावान के रिलीज के बाद माधुरी को ये किसिंग सीन को लेकर काफी दुख हुआ था। ये भी वह वजह थी, इसके बाद एक्ट्रेस को बड़े पर्दे पर किसिंग सीन देने से हमेशा के लिए पछताना पड़ा था।